यही स्टोरीज अभी यूट्यूब पर डाल रहा था, वीडियो की तरह अपलोड हो गई। हम भी होली टेक्नोलॉजिकली डिसेबल्ड। यहाँ पर जब तुम पैदा हो जाते हो, जब से तुम यहाँ पर पैदा हो जाते हो, तब से सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है। तुम्हारी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, तुम मानो या ना मानो। हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा जरूर लेंगे, बट एट वन पॉइंट तुम्हें भी रियलाइज होगा कि हाँ, वो भी इंसान ही एट द एंड। तो तुम्हारी जिम्मेवारी तुम ही ले सकते हो। कौन ले सकता? तुम, सिर्फ तुम ही ले सकते हो और कोई नहीं लेगा। कि कल फिर एक नया सवेरा आएगा, पर ना जाने क्यों वो उसके लिए नहीं आएगा। कल सुबह फिर पूरी दुनिया तो उठेगी, पर ना जाने क्यों इस बार वो नहीं उठेगा। वो अब आंखें तो नहीं खोल पाएगा, पर शायद दुनिया की आंखें खोल जाएगा। ना लायक तो था, मगर क्या लायक भी नहीं था। हाँ, वो अपनी जिंदगी का नायक भी नहीं था। जाते जाते उसे किसी से शिकायत नहीं थी, पर उसे अब जीने से मोहब्बत भी नहीं थी। उसकी हालत जान कर भी अनजान थे वो, उसे लगता दुनिया पर एक अपमान था वो। बीते हुए कल पर रहम जाता था वो, तो आने वाले कल से सहम जाता था वो। खुशियों की आदत नहीं थी उसे, इसलिए हंसते हंसते रो जाता था वो। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहता था वो। नालायक तो था, पर किसी के तो लायक बनना चाहता था वो। मुझे पता है उसके जाने के बाद अफसोस करोगे, और अफसोस कर शायद उसे ही कोसोगे, पर उसकी लिखी चीजें पढ़कर शायद एक बार कुछ तो अच्छा सोचोगे।